बिल्कुल, ये सवाल अहम है समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए मैं मनोज यादव से पूछूंगा। एबीपी न्यूज़ के सर्वे में ये सामने आया है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लड़ाने का फैसला जो है वो 55% लोग मान रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। आप क्या मानते हैं? जब अयोध्या से लड़ रहे थे तब भी सब मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे, जब गोरखपुर से लड़ रहे हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक हो रहा है, तो क्यों नहीं देवबंद चले जाते, वहाँ भी मास्टर स्ट्रोक हो जाता। एबीपी का सर्वे था, जब मैं पिछली बार था तो कह रहे थे कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे तो मास्टर स्ट्रोक शायद 55 से भी ज़्यादा रहा होगा। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को उनकी सही जगह पे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने भेज दिया है। उसके पीछे कारण है कि वो राम को रिजर्व रखना चाहते हैं मोदी जी अपने लिए। 2024 को लेकर राम मंदिर की तमाम सारी प्रस्तुतियों को वो प्रस्तुत करेंगे जनता के बीच में, चूँकि उनका चुनाव होगा। बेचारे योगी जी, मुझे थोड़ा उन पर रहम शब्द नहीं कहूँगा लेकिन हाँ दया भाव जरूर आ रहा है कि वो 403 सीटों की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुझे जानकारी है कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी भेज दी, रहने की व्यवस्था अयोध्या में करा ली, वहाँ पे लोगों को सबको मोबाइल दे दिया, सारे बूथ अध्यक्षों को सदस्यों को सारी व्यवस्था योगी जी ने कर ली थी, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक योगी मोदी जी ने मारा वो मास्टर स्ट्रोक मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा भयानक वाला था, वो चले गए सीधे। मानते हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ते हैं तो 55% लोगों का मानना है कि भाजपा का मास्टर स्ट्रोक होगा। ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि उनका वो गृह जनपद का सीट है और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि उन्हें वहाँ से लड़ना चाहिए, और ये सबके लिए अच्छी बात है कि योगी जी जो है अपने जनपद से लड़ेंगे तो ये बहुत बढ़िया होगा। और जो लोग उछाल रहे हैं, सारी चीज़ें मुद्दा बना रहे हैं, उनका वहाँ पर लड़ने का मुद्दा तैयार कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। उनका कहना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। अंशु अवस्थी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है। अंशु भाई, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ने जा रहे हैं, कितना मुश्किल हो जाएगा अन्य दलों के लिए? देखिए, लड़ने नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था तो आदित्यनाथ जी को वहीं छोड़ दिया था। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, उनको उसी समय चले जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद वो जिद कर रहे थे हम अयोध्या जाएंगे, मथुरा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वापसी कर दी है और जनता इस पर 10 मार्च को मुहर लगाने जा रही है, क्योंकि आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने का काम किया, किसान हो, नौजवान हो या महिलाएं हो। अब प्रदेश की जनता आदित्यनाथ, जो किराए का सिंदूर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, वोट तो मांगा था किसानों के कर्जा माफी के नाम पर, लेकिन क्या लगता है जल्दी से? देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी ने उनकी विदाई की है, मैं तो पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े वादे करके आए थे संकल्प पत्र में, बड़ी बड़ी बातें कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये दे नहीं पाए, इस वजह से उनको गोरखपुर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब जनता इसकी तैयारी कर चुकी है कि जैसे 10 मार्च को नतीजे आएंगे, वापस बोरिया बिस्तर जो मुख्यमंत्री आवास में रखा है वो वापस भेजने का काम किया जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।